बॉलीवुड के मशहूर सिंगर केके का मंगलवार देर रात कोलकाता में एक स्टेज शो के दौरान दिल का दौरा पड़ने के बाद निधन हो गया। कोलकाता के उल्टा दांगा में गुरुदास कॉलेज के नजरुल मंच में कॉन्सर्ट के दौरान सिंगर कृष्ण कुमार कुन्नानाथ की तबीयत खराब हुई और अस्पताल ले जाने से पहले ही उनका निधन हो गया। इस बीच एक वीडियो सामने आया जिसने केके की मौत पर सवाल उठा दिए। बद इंतजामी की वजह से हुए सिंगर केके की मौत, क्या कॉन्सर्ट में बद इंतजामी से कोलकाता में सिंगर केके की मौत हुई थी? ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि इसी कॉन्सर्ट का एक वीडियो सामने आया जिसमें भीड़ को हटाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर से फॉर्म छोड़ा गया था। बताया जा रहा है कि ऑडिटोरियम में क्षमता से 3 गुना से भी ज्यादा दर्शक पहुंच गए थे। ऑर्गेनाइजर भीड़ को कंट्रोल करने में नाकाम थे। केके की मौत पर सस्पेंस बरकरार। बॉलीवुड सिंगर केके के निधन के बाद कोलकाता पुलिस को प्राकृतिक मौत पर संदेह है और इसकी कई वजह बताई जा रही है। कोलकाता के न्यू मार्केट पुलिस स्टेशन में अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया गया और पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या ऑडिटोरियम में लोगों की संख्या से लिमिट ज्यादा थी। इसके अलावा पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि एसी काम कर रहे थे या नहीं। पुलिस ऐसी परिस्थिति की भी जांच कर रही है जिसके कारण केके परफॉर्मेंस के दौरान बीमार पड़ गए। केके की मौत मिस्ट्री क्यों? मशहूर सिंगर केके की मौत इसलिए मिस्ट्री बन गई क्योंकि उनकी बॉडी पर चोट के 2 निशान मिले। एक चोट केके के माथे पर, दूसरे उनके मुंह के पास मिली। पोस्टमार्टम के बाद चोटों के बारे में और जानकारी मिल सकेगी। इसके साथ ही डॉक्टर्स का कहना है पोस्टमार्टम के बाद ही केके की मौत की असली वजह सामने आएगी।